नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश में कहते हैं संस्कृत में विसर्जन का मतलब होता है कि जो मूर्तियों का सम्मान करते हैं उन मूर्तियों को आप जल में जाकर विलीन करते हैं, यह विसर्जन का मतलब है। अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में गणेश की पूजा की जाती है और यह पूजा गणेश चतुर्थी कहलाती है। बड़ा त्योहार होता है जिसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक गणेश चतुर्थी हमें सिखाता है सम्मान करना। कहते हैं गणेश की तो मूर्ति तो बनती है लेकिन उसमें एक टीम वर्क काम कर रही होती है। जैसे मछुआरा मिट्टी खोदता है और म्यूस मिट्टी से कुमार उस मूर्ति को आकार देता है और उस आकार की पूजा हम सभी करते हैं जिसे गणेश की प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। नंबर दो, कहते हैं जीवन अस्थायी है और यह हमें सिखाता है कि हमारा जीवन कैसे अस्थायी है। भगवान की मूर्ति गणेश की मूर्ति को हम बड़े प्यार से और उस मूर्ति की पूजा करने के बाद उसे पानी में विलीन कर देते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, जब इसमें से आत्मा चली जाती है तो वह शरीर हमारा एक मिट्टी में ही रह जाता है। नंबर तीन, कहते हैं भगवान का आकार निराकार होता है। हम भगवान को एक आकार देते हैं ताकि उन्हें स्पर्श कर सकें, उनके भजन सुन सकें और उन्हें श्रद्धा भाव से फूल और फल चढ़ा सकें ताकि वह हमारे बीच में आ सके। कहा जाता है कि भगवान की पूजा स्थापना करने के बाद भगवान को विसर्जित करने के समय भगवान को मूर्ति से जाने के लिए आग्रहपूर्ण बोला जाता है ताकि वह इस मूर्ति को छोड़कर आप जाएं और हम इस मूर्ति का विसर्जन कर सकें। नंबर चार, जीवन का चक्र। विसर्जन हमें बताता है कि हमारा जीवन एक चक्र के अनुसार चलता है। मनुष्य इस धरती पर अपना जीवन पूरा करने आता है। जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो वह इससे विदा ले लेता है। वह अपना सिर्फ कार्य समापन करने के लिए आया हुआ होता है और अगले जन्म में उसे नए जीवन के और नए रूप के साथ अपना जीवन शुरू करना होता है। विसर्जन भी हमें यही बताता है कि गणेश की प्रतिमा हमें यही बताती है कि इस साल में ना होकर वह अगले साल फिर से आए ताकि यह जीवन चक्र पूरा हो सके। नंबर पाँच, विसर्जन हमें सिखाता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है कि जीवन में हम आए हैं और हमारे जीवन में सभी चीज़ों से हमें लगाव हो जाता है। इंसान उस लगाव के साथ अपनी मृत्यु को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उसे इस जीवन में आया है तो वह इस जीवन को छोड़कर भी जाना ही है। जैसे हम गणेश जी को लेकर आते हैं, आध्यात्मिकता से उनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं और साधना करने के बाद जाने के समय उन्हें विसर्जित कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में तटस्थता का क्या महत्व रखता है। क्योंकि भगवान हो या इंसान, सबको एक नई दिन जाना ही पड़ता है। जैसे भगवान गणेश को हम लोग लेकर तो आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे ही उनके दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। यह जीवन का पूरा काल चक्र है। नंबर छः, विसर्जन हमें बताता है कि सांसारिक वस्तुएं जो हमें मोह देती हैं और मोह देने के बाद उससे जुड़ जाते हैं तो उनसे हमारा पीछा सिर्फ शारीरिक सुख है, ना कि आत्मा को सुख देता है। यह सिर्फ तृप्त शरीर को ही करता है, ना कि आत्मा को। विसर्जन से कई बातें इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।